अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाला, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया का। उम्मीद करती हूँ आप हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त रेसिपी लेकर के आई हूँ अलसी की। इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं, हिंदी में अलसी और उर्दू में तीसी कहते हैं। बिहार के लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है और करना चाहती है, लेकिन किस तरीके से आप प्रॉपर वे में इसका इस्तेमाल करें, शेयर करने जा रही हूँ इसको इस्तेमाल करने के दो आसान तरीके। सबसे पहले इन तमाम चीजों को आपको धीमी आँच पे धीरे 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 भूनना है, और नमक भी साथ में ही डाल दें, क्योंकि नमक भी पक जाता है तो ये पका हुआ नमक सेहत के लिए फायदेमंद है। और ये तैयार हुआ कि नहीं आप देखेंगे कि दाने चिटकने लगे हैं, चिटकने की आवाज आने लगेगी। तीसी ना तो कच्ची रहनी चाहिए, ना ज्यादा भुन जाए कि मजा बदमजा हो जाए। ज्यादा भुन जाती है तो भी बदमजा हो जाती है, तो इस वक्त आपको बहुत ध्यान से धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनते जाना है। ये देखिए तीसी के दाने उछलने लगे हैं। कुछ दाने उठाकर आप चबाएं, अगर दांत में ये चिपक रहा है यानी कि अभी ये कच्चा है, और अगर नहीं चिपक रहा है यानी हो चुकी है तीसी। ये सबसे बेहतर अंदाज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब ये भुन जाए तो मिक्सी में इसे सूखा ही पीस कर पाउडर बना लें। पहले इसे ठंडा होने दें, अगर गर्म गर्म पीस दीजिएगा तो ये अपना तेल छोड़ देगा, जिसकी वजह से पाउडर आपको नहीं मिलेगा। तो इसे भूनना और पीसना दोनों ही एक ट्रिक है। आप एक दो बार जैसे ही करेंगे आपको बिल्कुल अंदाज हो जाएगा। अब ये बहुत मज़ेदार पाउडर आपके पास है, जिसे आप फ्रिज में 1 month स्टोर करके रख सकते हैं। 1 month के बाद इसमें ऑयल की महक आ जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही पाउडर बना करके रखें, शीशे की जार में या किसी भी जार में महफूज कर लें इसे। तीसी एंटीऑक्सीडेंट है, कब्ज़ दूर करता है, पेट को बिल्कुल साफ रखता है, शुगर, बीपी, हार्ट सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसी को सिर्फ आप भुना हुआ और भी रख सकते हैं डब्बे में, उसे चबा के खाएं। मगर वो उतना नहीं खाया जाता, आप एक दो दिन खा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से पाउडर बना लें तो आप बहुत शौक से खाएंगे। मेरा दावा है कि आपको डेली ख्वाहिश होगी खाने की। थोड़े ट्विस्ट के साथ आप किसी चीज़ को बना लेते हैं तो फिर वो दवा नहीं रह जाती है, और जब कोई चीज़ दवा नहीं रह जाती है तो फिर उसके इस्तेमाल में आपको मज़ा आने लगता है और आप शौक से खाने लगते हैं, अपने खाने में उसको शामिल करते हैं। और ये बात बताई जाए या ना बताई जाए, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि तीसी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ओमेगा 3 का ये बेस्ट नेचुरल सोर्स है। इसे और भी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फिर इंशाल्लाह बताऊंगी। खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी डालकर 3-4 चम्मच इस तरह से पानी मिलाकर एक पेस्ट की शक्ल में मिक्स करें, और उसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्च। तीसी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसे एक चटनी की शक्ल में रखना है, तो आप जितना पतला रखना चाहें, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखें। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें कम या ज़्यादा पानी मिला सकते हैं। और इसमें तीसी में ओमेगा 3 है, कब्जियत के लिए तो ये बहुत असरदार चीज़ है। कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब नींबू का अर्क डालें, फिर मिक्स करें। मिक्स करके मुझे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी मिलाया है। अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक के रख दें। आधे घंटे के बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब इसे आप रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं, किसी सब्जी की जरूरत नहीं है। मैंने हरी धनिया पत्ती की चटनी अचार के साथ और कटे हुए मूली और चुकंदर के साथ मैंने सर्व किया था। प्योर वेज ऑयल फ्री नाश्ता है ये, आप रात के खाने में या सुबह के नाश्ते में जिस तरीके से पसंद करें आराम से खा सकते हैं। और दाल चावल के साथ आप इस तरीके से पाउडर छिड़क कर और नींबू निचोड़ दें, उस पर आराम से खा सकते हैं। किसी सब्जी की जरूरत नहीं है, घर पे सब्जी ना हो तो भी आप
शौक से खा सकते हैं। कब्ज दूर करता है, पेट को बिल्कुल साफ रखता है, शुगर, बीपी, हार्ट सब के लिए बहुत फायदेमंद है। बिहार के लोग इस तरीके से देसी खाना बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।